हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ भाई सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे वुमेन्स का जो पहला ओडीआई मैच खेला जाएगा, मतलब यहाँ से इंग्लैंड वुमेन्स और न्यूजीलैंड वुमेन के बीच में ये पहला ओडीआई मैच खेला जाएगा। दोस्तों इसको मैं डिटेल में कवर करूंगा भाई, वीडियो कंप्लीट वॉच करना। देखो इन दोनों टीम्स के बीच में ना, देखो तीन यहाँ पे भाई ओडीआई मैच की सीरीज खेली जाएगी और पांच इनके बीच में टी20 मैचेज की सीरीज खेली जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं हर एक मैच कवर करूँ, चाहे वो ओडीआई मैच हो या फिर भैया टी20 मैच ही क्यों ना हो। इनके साथ साथ हम लोग आपके लिए जो देखो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल मैच बचे हुए हैं भाई, वो भी मैं आपके लिए कवर करूंगा, लेकिन वो बात की बात है। फिलहाल अपना जो फोकस रहेगा वो इस मैच पे रहेगा दोस्तों, जो कि इंग्लैंड वुमेन्स और न्यूजीलैंड वुमेन्स के बीच में पहला मैच खेला जाएगा। डिटेल में इस मैच को कवर करूंगा भाई, एक एक चीज आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। एक चीज पहले क्लियर कर दूं दोस्तों, ये देखो वुमेन्स का मैच है भाई, ना कि मेंस का मैच है, ठीक है। सबसे पहले तो मेंस के मैच और वुमेन्स के मैच के अंदर आपकी अप्रोच हमेशा अलग रहेगी, जब भी आप लोग टीम सिलेक्शन करोगे, मतलब वुमेन के मैच में एक आपकी अलग अप्रोच रहेगी और मेंस के मैच में आपकी एक अलग अप्रोच रहेगी। तो वुमेन के मैच में किस अप्रोच से टीम बनाओगे, कौन से प्लेयर्स को कब अपनी टीम में रखना है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं भाई उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना, कौन से प्लेयर को कब अपनी टीम में यूज करना और कब अपनी टीम में यूज नहीं करना, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब लॉजिकली आप लोग इस प्लेयर को रखोगे और लॉजिकली आप लोग कौन से प्लेयर को इस मैच में अपनी टीम से रिमूव कर सकते हो। एक एक चीज आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की टॉप की पिक्स आपके लिए कौन से प्लेयर बनेंगे, प्लस आप लोग अपनी टीम के अंदर एज ए यूनिक यानी कि ट्रम कार्ड में कौन से प्लेयर को कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन कर सकते हो, वेन्यू के स्टैट्स किस प्रकार के हैं, पिच किस प्रकार की रहेगी भाई, पिच के अकॉर्डिंग भाई बैटिंग कंडीशंस रहेंगी, बॉलर्स को हेल्प रहेगी, फास्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, स्पिन इंपॉर्टेंट रहेगी, हर एक चीज आपको डिटेल में कवर करके दूंगा। तो भाई ये वीडियो आप लोग कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई आपकी टीम में कोई भी प्लेयर खराब सेलेक्ट हो जाए और वो आपकी पूरी 10 प्लेयर की टीम को खराब कर दे। मतलब अगर आप लोग इस मैच में प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ में जाओगे, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन को गेन करने के बाद अगर आप लोग टीम सिलेक्शन करोगे तो आप लोग इस मैच में डेफिनेटली एक अच्छा टीम सिलेक्शन कर पाओगे, क्योंकि देखो पूरी जिम्मेवारी मेरी रहेगी भाई, आपको किसी भी प्लेयर की इंफॉर्मेशन में कोई कमी नहीं मिलेगी, सभी प्लेयर के बारे में डिटेल में सारी चीजें कवर कर दूंगा। उसके बाद में फाइनल डिसीजन आपका रहेगा भाई, आप लोग जो भी प्लेयर अपनी मर्जी से किसी को भी टीम में रखो, चॉइस आपकी रहेगी, बसरते वीडियो कंप्लीट देखना, बस इंफॉर्मेशन आपको कोई भी स्किप नहीं करनी है। तो डिटेल में इस मैच को कवर करेंगे दोस्तों, इंग्लैंड वुमेन्स और न्यूजीलैंड वुमेन के बीच में पहला ओडीआई खेला जाएगा, मैं फिर से बता दूं आपको, ठीक है। तो सारी चीजें कवर करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, सबसे पहले चैनल पर नहीं होती और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप लोग जरूर से ऑन कर लेना, आने वाले किसी भी मैचेस की वीडियोस आपको मिस नहीं करनी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपना प्यार और समर्थन जरूर से बनाए रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। देखो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दिए इसी वीडियो के सबसे ऊपर आपको टॉप में पिंड कमेंट मिलेगा, वहां पे भाई उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। कोई भी अपडेट्स होंगे टॉस होने के बाद, फाइनल टीम में क्या कुछ चेंजेस होंगे या फिर जो भी फाइनल टीम रहेगी, ट्रम्प कार्ड प्लेयर में किसको ट्राई करोगे, ट्रम्प कार्ड मतलब ऐसे प्लेयर जिनका सिलेक्शन कम है लेकिन वो प्लेयर इस मैच में अच्छी परफॉर्मेंस करके आपको एक तरफा विन करवा सकते हैं, वो प्लेयर आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, प्लस पिच रिपोर्ट फाइनल क्या कुछ रहेगी वो भी आपको टेलीग्राम पर अपडेट की जाएगी, मतलब सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर टॉस के बाद भी मिलेंगी। सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिंक है, सिंपली जाइए क्लिक करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर से कर लीजिए। भाई मैच की बात करते हैं, देखो इंग्लैंड वुमेन्स न्यूजीलैंड वुमेन के बीच में पहला ओडीआई खेला जाएगा। सबसे पहले पिच रिपोर्ट पे चलेंगे, बढ़िया तरीके से पिच रिपोर्ट आपको समझाऊंगा और उसके बाद में फिर अपना टीम सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो चलिए सीधा सीधा चलते हैं भाई यहां से, सबसे पहले पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो मैं वेन्यू की बात करूं दोस्तों, रिवर साइड ग्राउंड चेस्टर ली स्ट्रीट के वेन्यू पे ये मैच खेला जाएगा। एक चीज आपको क्लियर कर दूं, ये जो वेन्यू है दोस्तों इसके ऊपर वुमेन्स का ओडीआई मैच, देखो मैं टी20 मैच की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बात करूं भाई ओडीआई मैच की, क्योंकि ये ओडीआई मैच खेला जाएगा, मतलब 50 ओवर का मैच खेला जाएगा और इस वेन्यू पे वुमेन्स का जो है सिर्फ एक ही ओडीआई मैच हुआ, यानी कि एक ही 50 ओवर का वनडे मैच हुआ, जो हुआ था दोस्तों यहां से आपको मैं क्लियर कर दूं, देखो श्रीलंका वुमेन्स और यहां पे भाई इंग्लैंड वुमेन्स की टीम के बीच में उस मैच में क्या हुआ था, एक बार वो चीज सुन लो भाई। श्रीलंका जो वुमेन्स की टीम थी उसने पहले बल्लेबाजी करते हुए केवल 106 रन करे थे और पूरी टीम ऑल आउट के गई थी, बदले में चेज करते हुए इंग्लैंड वुमेन की जो टीम है वो देखो 107 रन बना के 3 विकेट पे टारगेट को चेज कर गई और 7 विकेट से उस मैच में इंग्लैंड वुमेन्स ने विन किया था, ठीक है। एक चीज समझना भाई, फर्स्ट बैटिंग करते हुए श्रीलंका वुमेन्स ने काफी कम स्कोर किया लेकिन वो श्रीलंका वुमेन्स की टीम थी, यहां पे इंग्लैंड वुमेन्स के सामने भाई न्यूजीलैंड वुमेन की टीम है जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, अगर आप लोग कंपेयर करोगे श्रीलंका वुमेन्स के साथ में भी, तो मतलब इस मैच में न्यूजीलैंड वुमेन्स से आप लोग इंग्लैंड वुमेन के सामने ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद कर पाओगे, मतलब दोनों टीम्स के बीच में आपको यह काफी कड़ा और काफी तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। वेन्यू की बात करें तो सिर्फ एक मैच के बेस पे आप लोग ज्यादा आइडिया नहीं लगा पाओगे, लेकिन फिर भी मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजें आपको कवर करके दूंगा। विकेट की
बात करें बोलिंग सरफेस हो सकता है, लेकिन ये बोलिंग सरफेस इसी वजह से दिख रहा है क्योंकि उस मैच में भाई न्यूजीलैंड सॉरी जो श्रीलंका की टीम थी उसने पहले बल्लेबाजी करी थी और कम स्कोर किया था क्योंकि 10 विकेट पूरे गिरे थे, उस वजह से ये जो विकेट है यहाँ पे आपको मेंशन हो रखा कि भाई बोलिंग सरफेस है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, मैं आपको जेनवंटी के साथ में बता दूं, इस मैच में आपको उतने कम रन बनते हुए नहीं दिखेंगे। कम से कम कोई भी टीम पहले बल्लेबाजी करे 180 या फिर भाई 200 प्लस का स्कोर तो आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा क्योंकि न्यूजीलैंड वुमेन्स की भी और इंग्लैंड वुमेन्स की भी दोनों की बल्लेबाजी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उतनी खराब बल्लेबाजी नहीं है जितना कि उस मैच में भाई श्रीलंका वुमेन्स की थी। ठीक है, तो टोटल आप लोग ये तो नहीं कह सकते कि बॉलिंग सरफेस है, लेकिन वुमेन के मैच में खास चीज होती है कि भैया विकेट हमेशा मैक्सिमम गिरेंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा विकेट गिरते हैं। हो सकता है कि कम से कम आपको 15 विकेट टोटल 15 विकेट की बात कर रहा हूं मैं, दोनों पारियों की अगर बात करूं तो आपको इतने विकेट गिरते हुए तो जरूर से दिख जाएंगे। तो आप लोग 180-200 का एवरेज स्कोर इस वेन्यू पे मान के चल सकते हो। पेसर्स को थोड़ा ज्यादा हेल्प हो सकती है, लेकिन उस मैच की बात करूं उसमें स्पिनर्स ने भी अच्छा खासा रोल प्ले करा था क्योंकि सरा गैलन ने भी उस मैच में 3 विकेट लिए थे, क्योंकि एक ही मैच है भाई तो एक मैच के बेस पे आप लोग फास्ट या फिर स्पिन को ज्यादा कंपेयर में नहीं रख पाओगे, ये आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, वेदर की बात करें ठीक ठाक मौसम है, बारिश के कोई चांसेस आपको नहीं दिखेंगे। एवरेज स्कोर पहली इनिंग का 134, सेकंड इनिंग का लगभग 103 के आसपास है। देखो एक ही मैच खेला गया भाई, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, तो उस मैच के बेस पे सिर्फ आप लोग मत मानना कि भाई टोटल बॉलिंग सरफेस है, लेकिन देखो विकेट तो मैक्सिमम गिरेंगे वुमेन के बीच मैच के अंदर भाई, ये चीज तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोग मान के चलिए। ठीक है, लेकिन उस मैच से ज्यादा बेहतर आपको ये मैच देखने को मिल जाएगा, मतलब 180-200 के आसपास का स्कोर तो आपको श्योरिटी के साथ में दिखेगा, हो सकता है 250 प्लस भी बन जाए, लेकिन मैं खूब अगर खराब से खराब भी कोई टीम लेना तो भी 200-180 रन ये टीम्स करके जा सकते हैं, मैं आपको वो क्लियर करना चाह रहा हूं। ठीक है, वेन्यू विंस की बात करें, बैटिंग फर्स्ट 50%, बैटिंग सेकंड 50% मैचेस वो ओन करते हैं, कोई ज्यादा वो नहीं है, लेकिन वो वुमेन्स का एक ओडीआई मैच हो उसमें सिर्फ जो इंग्लैंड वुमेन थी सेकंड बैटिंग में चेंज करके गई थी। ठीक है, दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 की बात करें आप लोग यहां से देख पाओगे, सबसे पहले इंग्लैंड वुमेन्स के साथ में स्टार्ट करते हैं भाई, टेमी बियमन के साथ में एम बाउचर ओपन करेगी, हीथर नाइट रहेंगे, नेटालेस सीवर है, उसके बाद में डेनियल वॉइट, एमी जोन्स रहेगी, एलिस कैप्से, चार्लेट डीन, सोफिया क्लेसन, कैट क्रॉस और लॉरेन बेल, ये रहेगी दोस्तों यहां पे इंग्लैंड वुमेन्स की टीम। बात करते हैं भाई न्यूजीलैंड वुमेन्स की टीम की, यहां से सूजी बेट्स के साथ में जीप लिमर ओपन करेंगी, उसके बाद एमिलिया कैर रहेंगे, सोफी डिवाइन, मैडी ग्रीन, ब्रूक हॉलिडे, उसके बाद में इजे गाजे रहेंगे भाई, हना रोव है, जे एम कैर रहेंगे, एड कार्सन और यहां पे भैया फ्रांस जोन्स, ये टीम आपको दिख सकती है इंग्लैंड सॉरी जो न्यूजीलैंड है इनकी साइड से, एक दो चेंज हो सकते हैं, क्या कुछ चेंजेस होंगे वो भी आपको आगे समझा दूंगा जब टीम सिलेक्शन करेंगे। फिलहाल लोग इनका जो है बैटिंग ऑर्डर देख सकते हो भाई, किस प्रकार आपको ये बैटिंग ऑर्डर देखने को मिल सकता है, चेंज का होगा वो भी आपको बता दूंगा। तो मोटा मोटा सुन लो पिच के बारे में, ठीक ठाक विकेट है भाई, उतना खराब विकेट नहीं है, 180-200 एवरेज स्कोर रहेगा, इससे बड़ा स्कोर जा सकता है ये ध्यान में रखेगा क्योंकि बैटिंग दोनों टीम्स की काफी अच्छी है भाई, श्रीलंका वुमेन्स की तरह इतनी खराब बैटिंग नहीं है कि 100-110 के स्कोर पे कोई भी टीम ऑल आउट हो जाएगी। ठीक है, 180-200 के हिसाब से भी एटलीस्ट आप लोग टीम सिलेक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्पिन फास्ट दोनों को लगभग यहाँ पे भाई इक्वल आपको हेल्प दिखेगी, ज्यादा किसी एक के फेवर में चीजें नहीं जाएगी क्योंकि देखो फास्ट को थोड़ा ज्यादा हेल्प हो सकते हैं बिकॉज फॉरन पिचेज के ऊपर ये मैचेस खेले जाएंगे, इंडिया या फिर श्रीलंका बांग्लादेश ऐसी विकेट नहीं है जहां पे स्पिन को ज्यादा हेल्प दिखे, मतलब यहां पे पेस बॉलिंग जो रहेगी वो फिर भी इंपॉर्टेंट रहेगी स्पिन के मुकाबले। तो ये चीज आपको सिर्फ ध्यान में रखनी भाई वेन्यू से रिलेटेड या फिर पिच से रिलेटेड। अभी हम लोग चलते हैं टीम सिलेक्शन पे, अब इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होंगे भाई, ध्यान से सुनना एक एक चीज, कोई भी चीज मिस मत करना। विकेट कीपिंग सेक्शन में आएंगे, पहली ऑप्शन एमी जोन्स, दूसरी रहेगी मैडी ग्रीन, तीसरी रहेगी भाई आई गाजे की। देखो आई गाजे फिलहाल आप लोग हटा दो अपनी टीम से, ठीक है, आपके पास में सिर्फ दो ऑप्शंस दिखेगी यहां से, एमी जोन्स की और भाई मैडी ग्रीन की, दोनों टैलेंटेड प्लेयर है। एमी जोन्स की बात करूं बैटिंग ऑर्डर की तो ये लगभग आपको देखो फोर्थ या फिर फिफ्थ डाउन, मतलब भैया 4-5 विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी दे सकती है। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर इंग्लैंड वुमेन्स इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतर रही है, आप लोगों के लिए एमी जोन्स मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पिक है, फिर आप लोग अपनी टीम में जरूर बैक करके चलोगे। ठीक है, तो ये प्लेयर आपके लिए टोटली सेफ है, ये ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर मैडी ग्रीन की बात करूं तो ये प्लेयर रहेगी दोस्तों आपके लिए पहली ट्रम्प कार्ड पिक इस मैच की। देखो सीधा सीधा आपको बता दिया, पहली ट्रम्प कार्ड पिक रहेगी इस मैच की, ट्रम्प कार्ड मतलब सिलेक्शन कम है और अच्छी प्लेयर है, परफॉर्मेंस कर सकती है भाई, हो सकता है इस मैच में ना भी निकले लेकिन आने वाले दो और ओडीआई जो खेले जाएंगे किसी ना किसी मैच में ये प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस करके आपको एक तरफा भी विन करवा सकती है। देखो ट्रम्प कार्ड प्लेयर रहेगी इस मैच की, स्टार मार लेना, सिलेक्शन का मैं अच्छी चॉइस है डिफरेंशियल में ट्राई करने के लिए। बैटिंग ऑर्डर की बात करूँगा तो ऑलमोस्ट ये आपको थर्ड डाउन के आसपास बल्लेबाजी दे सकती है। ठीक है, तो सेफ अगर आपको खेलना भाई एमी जोन्स आपके लिए बिल्कुल सेफ विकल्प है, नो डाउट आप लोग इन्हीं के साथ में चलोगे। उसके बाद में आएंगे बैटिंग सेक्शन में, देखो कुछ एक प्लेयर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस मैच में, वो तो आपकी टीम में डायरेक्ट आएंगे, एक भी
प्लेयर आप लोग इधर उधर नहीं कर पाओगे। सबसे पहले हिटर नाइट, फर्स्ट बल्लेबाजी जो चीज बोल रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा फोकस करते रहना। फर्स्ट बल्लेबाजी में हिटर नाइट को आप लोग अपनी टीम में डिफरेंशियल पिक में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। मतलब ट्रम्प कार्ड प्लेयर रहेगी इस मैच की कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। मैं नॉर्मल पिक की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ ट्रम्प कार्ड में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। देखो नॉर्मल प्लेयर के रूप में रखना, मतलब प्लेयर आपने ले लिया कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं किया, वो होती भाई नॉर्मल पिक। और अगर आपको ट्रम्प कैप्टन वाइस कैप्टन बता दिया, मतलब ये प्लेयर के ऊपर सिलेक्शन आपको कम दिखेगा कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का। लेकिन अगर इस मैच में इंग्लैंड वुमेन्स पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी ट्रम्प कार्ड में, आप लोग हिथर नाइट को किसी ना किसी टीम में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी जरूर से कर सकते हो। अच्छी प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर है, नो डाउट भाई, अच्छी बल्लेबाजी करके आपको दे सकती है। उसके बाद में नीचे आओगे, देखो टेमी बीएमेंट आपके लिए नॉर्मल डिफरेंशियल पिक रहेगी 24% सिलेक्शन के अंदर, ओपन करने वाली प्लेयर है, अच्छी प्लेयर है। बट एक चीज ध्यान में रखिएगा, इनिशियल ओवर थोड़ा संभल के बल्लेबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि सामने जो इंग्लैंड वुमेन्स की टीम है उनमें देखो लॉरेन बेल जैसी प्लेयर है, यानी कि लॉरेन बेल जैसी फास्ट बॉलर आपको दिखेगी जो कि अच्छा खासा स्विंग करेगी इनिशियल ओवर के अंदर। और वहां पे कहीं ना कहीं टेमी बीएमेंट जो रहेगी इनके लिए थोड़ा सा मुसीबतें खड़ी हो सकती है। तो इनिशियल 4-5 ओवर थोड़ा संभल के बल्लेबाजी करनी पड़ेगी तो ठीक है, अदरवाइज भाई इनका विकेट जल्दी जाएगा। अगर 4-5 ओवर बढ़िया तरीके से निकाल दिए तो ये प्लेयर आपके लिए अच्छी डिफरेंशियल पिक बन के जाएगी इस मैच की। तो स्टार मार लीजिए टेमी बीएमेंट पे। सूजी बैट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूजी बैट्स देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहली चीज तो बल्लेबाजी ऑर्डर इनका ऊपर रहेगा, मतलब ओपन करने की। दूसरा भाई ये गेंदबाजी बैकअप आपको दे सकते हैं। देखो गेंदबाजी में पूरे 10 ओवर की उम्मीद आप लोग मत रखना, बीच में टीम 4-5 ओवर करवा दे वो भी प्लस पॉइंट है। अगर बाई चांस एक विकेट भी मिल जाए, 30-40 की पारी भी आ जाए, एक अच्छे प्लेयर का काम करके आपकी टीम में चली जाएगी। तो सूजी बैट्स इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल पिक में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ले सकते हो। दो प्लेयर आपको बता दिए, यूनिक ऑप्शन ट्रम्प कार्ड में जिसको करोगे वो रहेगी हिथर नाइट जब इंग्लैंड वुमेन पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी। सूजी बैट्स आपके लिए दूसरी डिफरेंशियल पिक फॉर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, ठीक है। उसके बाद में नीचे आओगे, देखो डेनियल वाइट एक अच्छी प्लेयर है, नो डाउट है, लेकिन भाई थोड़ा सा नीचे बल्लेबाजी कर रही है। अगर ऊपर बल्लेबाजी करते तो मैं आपको प्रेफर करता, अच्छी प्लेयर है नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इनसे ज्यादा बेहतर ऑप्शन अभी हमें आगे मिलेंगे तो हम थोड़ा सा उनके ऊपर पहले फोकस करेंगे। नीचे आओगे, देखो ब्रूक हॉलिडे ये प्लेयर, और भाई यहां से आपके पास में रहेगी एम बाउचर, दोनों प्लेयर आपके लिए ट्रम्प कार्ड ऑप्शन है इस मैच की। यूनिक ऑप्शन आपको बता दी, तीन प्लेयर अब तक टोटल आपको बता दिए, ब्रूक हॉलिडे रहेंगी, एम बाउचर रहेंगे और वहां से बता दिया भाई मैडी ग्रीन, ठीक है। तीन प्लेयर आपको डिफरेंशियल पिक्स बता दी इस मैच की। जो भी प्लेयर आप लोग अपनी टीम में थोड़ा सा रिस्क उठा के ट्राई करना चाहो कर सकते हो, हालांकि बल्लेबाजी थोड़ा सा नीचे करने उतरेगी, लेकिन एम बाउचर ओपन करेंगी और ब्रूक हॉलिडे जो रहेंगी ये थोड़ा सा नीचे बल्लेबाजी करेगी। दोनों प्लेयर आपके लिए डिफरेंशियल पिक है, सिलेक्शन कम है, अच्छी प्लेयर है, परफॉर्मेंस कर सकती है, आपको एक तरफा विन करवा सकती है। नीचे आएंगे दोस्तों, सोफी डंगले फिलहाल छोड़ दो, सेकंड बैटिंग ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करती है एज कंपेयर टू फर्स्ट बैटिंग। अगर खिलाई यहां पर इंग्लैंड वुमेन्स तो आप लोग सेकंड बैटिंग में ट्राई करना, फर्स्ट बैटिंग में मत करना। नीचे आओगे दोस्तों, यहां से देखो डाउन को छोड़ सकते हो, प्लिमर ओपन करेगी, मैं फिलहाल प्रेफर करके नहीं चलूंगा। नीचे एम ग्रेक की ऑप्शन है, फिलहाल छोड़ सकते हो, खेलने के चांसेस काफी कम है। यहां से दो प्लेयर रखे मैंने, हिथर नाइट और भाई सूजी बैट्स। देखो बीएमएंट आपके लिए डिफरेंशियल होगी, यहां से आपके लिए ब्रूक हॉलिडे या फिर भाई एम बाउचर है, इनमें से कोई भी प्लेयर आप लोग अपनी टीम में एज ए ट्रम्प कार्ड प्लेयर के रूप में लेके चल सकते हो। उसके बाद में आएंगे दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन के अंदर, नेट सीवर ब्रंट, सोफी डिवाइन, एमिलिया कैर, यहां से भाई एलिस कैप्स है। देखो ये चार प्लेयर ना आपके लिए तुरप का इक्का है, मतलब हर एक बंदे की टीम में आपको ये चार प्लेयर दिखेगी और वुमेन का मैच है और ये चारों प्लेयर इंपॉर्टेंट है, एक भी प्लेयर आप लोग गलती से इधर उधर मत करना, ये मेरा पर्सनल सजेशन आपको रहेगा। और ये चारों ही जो प्लेयर है ये कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का सबसे बेहतर विकल्प है। अगर मैं एलिस कैप्से को फिलहाल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी से बाहर भी रख दूं तो जो तीन प्लेयर बचती है भाई यहां से, नेट सीवर ब्रंट, सोफी डिवाइन और एमिलिया कैर, ये तीन प्लेयर टॉप क्वालिटी ऑप्शन है इस मैच की कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। मतलब मैक्सिमम जो सिलेक्शन आपको दिखेगा इस मैच में कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी के अंदर वो दिखेगा भाई इन्हीं तीनों प्लेयर के बीच में, क्योंकि ये तीनों प्लेयर आपको बल्लेबाजी बैकअप और प्लस गेंदबाजी में पूरे अपने कंप्लीट ओवर करते हुए दिखेगी। इस वजह से ये तीनों प्लेयर इस मैच के टॉप क्वालिटी ऑप्शन है भैया कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। सो इनमें से किसी भी प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन आप लोग अपनी टीम में कर सकते हो। एक छोटी सी मैं आपको थोड़ा सा स्टैट्स बताता हूं भाई, थोड़ा ध्यान से सुनना। यहां से आपको जो प्लेयर दिख रही है सूजी बैट्स, सूजी बैट्स को ओपन करने वाले प्लेयर है न्यूजीलैंड के लिए, बट इनके बारे में एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं भाई, सूजी बैट्स देखो गेंदबाजी तो करेगी, ये तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सूजी बैट्स की बात करें तो भाई देखो नेट सीवर ब्रंट जो है ना वो इनको ऑलरेडी यहां से देखो 4 बार आउट कर चुकी है पिछले 10 ओडीआई मैचेस के अंदर, ठीक है। फिर से रिपीट कर दूं, शायद आपको समझ ना आया हो, सूजी बैट्स को यहां से देखोगे तो नेट सीवर ब्रंट जो भाई ये 4 बार आउट कर चुकी है ओडीआई के अंदर पिछले 10 मैचेस में, ये मैचअप आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो प्लेयर रहेगा वो रहेगा यहां से दोस्तों देखो सोफी डिवाइन, सोफी डिवाइन एक ऐसी प्लेयर है जो कि भाई न्यूजीलैंड की एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है बल्लेबाजी से भी और गेंदबाजी से भी, लेकिन इनके जो स्टैट्स हैं
इनके जो मैचअप्स है वो आपको बता दूं, सोफी डिवाइन को जो कैट क्रॉस है, देखो यहां से मैं आपको दिखाऊंगा एक एक चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। कैट क्रॉस जो है दोस्तों, ये देखो सोफी डिवाइन को ना ऑलरेडी यहां पे देखो 4 बार आउट कर चुकी है पिछले 7 मैचेस के अंदर, ठीक है। तो कैट क्रॉस के सामने थोड़ा सा सोफी डिवाइन को दिक्कत रहेगी अकॉर्डिंग टू मैचअप्स, और सुजी बेट्स को नेट्स और ब्रंट के सामने थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है अकॉर्डिंग टू मैचअप्स, ये आपको मैंने आपको बता दिया, ध्यान से रखिएगा, ठीक है। तो ये 4 प्लेयर आपके लिए टोटली सेफ ऑप्शन है। यहां से आप लोग देखो एलिस कैप्सो को एज ए यूनिक ऑप्शन में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, ये ट्रम कार्ड ऑप्शन रहेगी आपके लिए। नीचे आओगे दोस्तों चार्लेट डीन इंपॉर्टेंट प्लेयर, और चार्लेट डीन के खास स्टैट्स मैं आपको बता दूं जो शायद आपको कोई भी ना बताए, तो ध्यान से सुनिएगा। जो चार्लेट डीन है तो भैया स्पिन गेंदबाज, लेकिन ये देखो 9 मैच के अंदर भाई 16 विकेट निकाल चुकी है, किसके सामने, अगेंस्ट न्यूजीलैंड। 9 मैच में 16 विकेट अगेंस्ट न्यूजीलैंड वुमेन से, मतलब न्यूजीलैंड वुमेन के सामने अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद आप लोग कर सकते हो और उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि परफॉर्मेंस करिए और परफॉर्मेंस करिए तो 24% सिलेक्शन में एक अच्छी ट्रम कार्ड प्लेयर आपको मिल रही है, तो भाई अपनी टीम में जरूर से बैक करके चल सकते हो, स्पिन को थोड़ा हेल्प हो सकती है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में आएंगे बॉलिंग सेक्शन में, सोफी एक्लेसन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्लेयर, नहीं छोड़ सकते, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी डिजर्व करके चलेगी, पूरे 10 ओवर प्लस बल्लेबाजी बैकअप आपको बहुत ही अच्छा देख के जा सकती है। उसके बाद में कैट क्रॉस, देखो इसके पास में ना भाई स्विंग बहुत बढ़िया, ये 65% सिलेक्शन आई थिंक थोड़ा और इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि आने वाले मैचेज में किसी ना किसी मैच में यह ट्रम्प कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर बनेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। काफी अच्छी प्लेयर और इनके स्टैट्स आपको बता चुका हूं, क्योंकि भाई ये देखो सोफी डिवाइन को ऑलरेडी 4 बार आउट कर चुकी है पिछले 7 ODI मैचेज के अंदर। नीचे हो गए दोस्तों लॉरेन बेल, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इंग्लैंड वुमेन के, सिलेक्शन केवल 41%, लेकिन खास चीज आपको बता दूं इस गेंदबाज के पास में भाई आपको स्विंग बहुत ही ज्यादा बढ़िया देखने को मिलेगा इनिशियल ओवर में, मतलब न्यूजीलैंड वुमेन्स के कहीं ना कहीं 1 से 2 विकेट ये इनिशियल ओवर में जरूर निकाल सकते हैं, मतलब शुरुआती ओवर के अंदर, तो अच्छी डिफरेंशियल पिक है, अच्छा ट्रम कार्ड प्लेयर आपके लिए बन सकती है, केवल 41% सिलेक्शन है, आप लोग ट्राई जरूर करना किसी भी प्लेयर को बाहर करके, इनको अपनी टीम एज ए डिफरेंशियल पिक ट्राई कर सकते हो दोस्त, रिस्क आपको कहीं ना कहीं तो उठाने पड़ेंगे, ये ध्यान में रखना, ठीक है। जैस कैर ठीक ठाक प्लेयर है, अच्छी प्लेयर है नो डाउट, लेकिन पहले गेंदबाजी अगर न्यूजीलैंड करेगी तब ट्राई करोगे, फिलहाल हम लोग नहीं रखेंगे। उसके बाद में हनारो, ये प्लेयर आपके लिए डिफरेंशियल चॉइस हो सकती है, प्लस यहां पे सरा गैलेन, देखो अगर सरा गैलेन खेलेगी ना तो ये प्लेयर की इंपॉर्टेंस रहेगी, फिर आप लोग इनको डायरेक्ट बैक कर सकते हो, क्योंकि इस वेन्यू पे और वो जो मैच हुआ था श्रीलंका वुमेन के साथ में इंग्लैंड वुमेन्स का, उसमें इस दोनों ने देखो 3 विकेट लिए थे, ठीक है। तो सरा गैलेन इस वेन्यू पे कहीं ना कहीं अच्छा कर सकती है, तो जरूर आप लोग अपनी टीम में बैक कर लीजिएगा। फ्रान जोन से या फिर ई कार्सन से मुझे उतनी कुछ खास उम्मीदें हैं नहीं, तो यहां से आपके पास में हनारो डिफरेंशियल मैं लेके चलूंगा भाई, आप लोगों को सेफली खेलना है, आप लोग यहां से जा सकते हो किसके साथ में, जैस कैर के साथ में, लॉरेन बेल आपके लिए डिफरेंशियल रहेगी, सो मैं यहां से लॉरेन बेल को रखूंगा। अब आप लोग फाइनल चॉइस में जैस कैर के साथ में हनारोव के साथ में जा सकते हो, ये चॉइस आपकी रहेगी, या फिर अगर आपको बैटिंग सेक्शन से टीबीएमंट आपको डिफरेंशियल मिल जाएगी बैटिंग के अकॉर्डिंग, यहां से भाई ब्रूक हॉलिडे एम बाउचर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब चॉइस आपकी, आप लोग किसके साथ में जाओगे, अगर आपको लॉरेन बेल नहीं चाहिए, आप लोग बेल को यहां से हटा के आप लोग अपनी टीम में देखो थोड़ा सा डिफरेंशियल जाने के लिए हनारोव को रख सकते हो, और यहां से आप लोग चार्लेट डीन को बैक कर सकते हो, क्योंकि डीन के आंकड़े देखोगे तो काफी आपको अच्छे दिखेंगे अगर मैं न्यूजीलैंड वुमेन के सामने बात करूं। एक प्लेयर आपको और दिखेगी कैट क्रॉस, इनके भी थोड़े से और मैं आपको स्टैट्स दे देता हूं एक बार भाई। कैट क्रॉस की बात करें दोस्तों, ये देखो 13 मैच खेल चुकी अगेंस्ट न्यूजीलैंड वुमेन्स, और 13 मैच में इनके नाम भाई 24 विकेट है, ठीक है, काफी अच्छी प्लेयर है, ध्यान में रखिएगा 13 मैच में 24 विकेट कैट क्रॉस के, जबकि यहां से अगर मैं बात करूं चार्लेट डीन के 9 मैच में 16 विकेट है, ये दोनों प्लेयर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब जो मेरे फिलहाल 11 प्लेयर की टीम है दोस्तों वो बनके क्रिएट हो चुकी है भाई, जो कि मैं आपको यहां से एक बार दिखा देता हूं, आप लोग देख पाओगे मेरी टीम में 11 प्लेयर आ चुके हैं। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करें, देखो यहां से नेट सीवर ब्रंट सोफी डिवाइन एमिलिया कैर 3 प्लेयर आपके लिए सबसे बेस्ट विकल्प है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की, मतलब अगर आपको टोटली सेफ खेलना है आप लोग इन्हीं 3 प्लेयर में से अपना कैप्टन वाइस कैप्टन पिक करके चलोगे। अगर आपको चीजें थोड़ा सा यूनिक ट्राई करनी है आपके पास में सोफी एक्लेस्टन एक बढ़िया विकल्प है, उसके बाद में हीथर नाइट फर्स्ट बल्लेबाजी इंग्लैंड वुमेन्स करेगी तब आप लोग अपनी टीम में डिफरेंशियल रखोगे। यहां से आपके पास में एलिस कैप्स एज ए यूनिक कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी रहेगी। यहां से देखो कैट क्रॉस या फिर चार्लेट डीन इनमें से कोई भी एक प्लेयर अपने अकॉर्डिंग डिफरेंशियल पिक में ले सकते हो, क्योंकि इनकी जो परफॉर्मेंस है न्यूजीलैंड वुमेन के सामने काफी बेहतर होती है। तो ये मेरे फिलहाल 11 प्लेयर की डेमो टीम मान के चलेगा, फाइनल टीम में कोई भी चेंज करूंगा अकॉर्डिंग टू टॉस, आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट मिल जाएगी, फाइनल टीम मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में लिंक है ज्वाइन जरूर से कर लेना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपने कंप्लीट वॉच किया होगा भाई, पसंद आया होती यार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना भाई, आने वाले किसी भी मैचेस के वीडियोस आपको मिस नहीं करने। मिलते हैं दोस्तों अगले मैच के वीडियो में, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस मैच में एक बढ़िया टीम सिलेक्शन करोगे और आपकी टीम अच्छा परफॉर्म जरूर करेगी।